नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र और आप देख रहे हैं द मसला। द मसला में मसला ये है कि आज हरियाणा में मतदान का दिन है और लोग वोटिंग कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया तो आप भी जरूर वोटिंग करने के लिए पहुंचे, और अगर शाम 6 बजे से पहले आप लाइन में लग जाते हैं तो आपका वोट पोल जरूर होगा, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर 6 बजे से पहले अगर आप लाइन में लग जाते हैं तो आपका वोट हर हालत में वहां पर पोल होगा। तो अगर आपने नहीं किया तो जरूर पहुंचिए लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट करने के लिए। मतदान के दिन हरियाणा से दो बड़ी शिकायतें सामने आई हैं। एक शिकायत जननायक जनता पार्टी के नेता और सोनीपत से उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला ने शिकायत की है, और दूसरी शिकायत की है दीपेंद्र हुड्डा ने, जो कि रोहतक से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिग्विजय सिंह चौटाला ने जो शिकायत की है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि उनका जो चुनाव निशान है वो ईवीएम पर साफ नजर नहीं आ रहा है। आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह चौटाला क्या बोल रहे हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के और तीनों बूथ के अंदर जो चप्पल का निशान है और चप्पल की जो आउटलाइनिंग है वो बिल्कुल लाइट है। उस चप्पल की आउटलाइनिंग पर कहीं कोई विजिबिलिटी नहीं है। जो वोटर्स हैं वो बार बार ये कंप्लेन कर रहे हैं, चप्पल पहचान में नहीं आ रही, सिर्फ यूं लग रहा है कि कोई दो हुक लटके हुए हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं अब इसके बाद एआरओ से भी बात करूंगा और पार्टी के सीनियर अधिकारियों से बात कर करके इसको इलेक्शन कमीशन पर टेकअप करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ मतदाताओं से कि जहाँ कहीं भी ये निशान, और मैं अपनी पार्टी के एजेंट से भी गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं भी ये निशान आपको विजिबल नहीं है, क्योंकि विजिबल होना टू नॉर्मलाइज ये नेसेसरी है और वो आम जन को विजिबल नहीं है, और ये बहुत बड़ा गंभीर इशू है, ये बहुत बड़ी साजिश की ओर कहीं ना कहीं लीड कर रहा है, और मैं इसको अब एआरओ से भी टेकअप करूंगा और मैं मीडिया से भी चाहूँगा कि इस मामले को टेकअप कर करके और इलेक्शन कमीशन से इसके बारे में जवाब मांगे, क्योंकि जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं लगभग जहाँ भी ये प्रिंटेड जो मशीन्स के अंदर पेपर गए हैं उस पर चप्पल का निशान जो है उसकी आउटलाइनिंग विजिबल नहीं है, वो चप्पल नज़र नहीं आ रही। जो हमें निशान अलॉट किया गया था वो कुछ अलग था। तो आपने सुना दिग्विजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मैं शिकायत भी करूंगा चुनाव आयोग को कि हमें जो चुनाव चिन्ह दिया गया था उससे अलग तरीके का नज़र आ रहा है और साफ नज़र भी नहीं आ रहा है। कई जगह से ये शिकायत है और जिसकी शिकायत चुनाव आयोग को की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये एक साजिश उनके खिलाफ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने जो शिकायत की है रोहतक में, उनका कहना है कि जो स्थानीय विधायक है वहां से मनीष ग्रोवर, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, वो वहां पर बाहुबलियों को लेकर बूथ के अंदर जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने इसकी शिकायत वहां पर जो निर्वाचन अधिकारी हैं डीसी हैं उनको भी शिकायत की है, और दीपेंद्र ने कहा है कि वो किस उससे वो अंदर जा रहे हैं, क्या अधिकार है उनको, ना तो वो प्रत्याशी हैं और ना ही वो एजेंट हैं, इसलिए दादागिरी वहां पर चल रही है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि ऐसा ये लोकतंत्र की हत्या है जो बीजेपी वहां पर कर रही है। आप भी सुनिए। इसमें जो ये स्पष्ट रूप से आई है, ये इसमें ये बात स्पष्ट रूप से आई है कि हमारे एक जो रोहतक के मंत्री है मनीष ग्रोवर जी, वो रोहतक में बूथ के अंदर, जबकि बूथ के अंदर कोई किसी कैपेसिटी में नहीं घुस सकता, कैंडिडेट जा सकते हैं या उसका इलेक्शन एजेंट जा सकते हैं, मगर यहाँ पे रोहतक के मंत्री बूथों के अंदर जा रहे हैं, बाहुबलियों को लेके जा रहे हैं, और जिस तरीका का ये, और सरकार वहाँ पे पुलिस प्रशासन कोई रोक टोक नहीं, कोई इस बात के लिए आज तक देश में मैं समझता हूँ इस तरह का प्रजातंत्र की हत्या का तांडव नहीं देखा गया होगा कि मंत्री बूथ के अंदर घुसे बाहुबलियों को लेकर, और कोई पुलिस की तरफ से, कोई प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं। और ये हमने डीसी साहब को, मैंने 1-1.5 घंटे पहले जब यह रिपोर्ट आई थी पहली, तब भी बताया था, रिटर्निंग अफसर है। अब दोबारा हम इनके पास आए कि भाई ऐसे प्रजातंत्र की हत्या नहीं करने दी जाए, ऐसे बूथों के अंदर घुसना किसी को अलाउड नहीं, और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो। तो दो बड़ी शिकायतें आई हैं हरियाणा की ओर से, दिग्विजय सिंह चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा की ओर से शिकायत है उनको, वो आपने सुन लिया कि उन दोनों को क्या शिकायत है। फिलहाल हरियाणा में मतदान चल रहा है और हमें जो जानकारी मिली है दो ऐसे गांव हैं जहां पर उन्होंने
चुनाव का बहिष्कार किया। एक तो सिरसा जिला का कुत्ताबड़ गांव है, वहां पर लोगों ने बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि एक पुल बनाने की मांग थी लंबे समय से हर सरकार से, लेकिन किसी ने पुल नहीं बनाया, इसलिए वो इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। वहीं पंचकुला के गुमथला गांव से भी ये रिपोर्ट है कि उन गांव वालों ने भी मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया है। लेकिन आप सभी वोट जरूर कीजिए, बहिष्कार मत कीजिए, क्योंकि 5 साल के बाद देश की सरकार चुनने का वक्त आता है। इसलिए आप भी इसमें योगदान दें, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके हलके की आवाज़ संसद में जाकर उठा सकता है, आपको लगता है, आप उस उम्मीदवार को वोट जरूर दें और लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस मेले में हिस्सा लें और वोट के माध्यम से अपनी ताकत दिखाएं। और आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे आपके हलके का क्या हाल है, कैसी वोटिंग चल रही है और क्या कुछ आपको नजर आ रहा है। नमस्कार।